आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो आज के इस ब्लॉग में आप लोग देखोगे कि कहाँ मैं रहता हूँ और कहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। देख सकते हो मैं छत पे हूँ जहाँ पे मैं अपना वीडियो शूट करता हूँ। तो जहाँ पे आगे वीडियो मतलब वीडियो बनाता हूँ यहीं पे वीडियो बनाता हूँ। तो पूरा छत है यहाँ पे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा जहाँ मैं रहता हूँ वो भी अपना घर दिखाऊँगा आपको। और वैसे आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो भी इंजॉय करेंगे हम। चलते हैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है मेरा घर और पापा मैच देख रहे हैं और मम्मी क्या कर रही है बता। मम्मी की कर रही है कथी कर रही है बता तो सही। खाना बन रही यार की कर क्या बना रही है खाना में माता यहाँ खाना बोल सब्जी रोटी चावल। और ये मेरा घर और वहाँ पे सामने मैं सोता हूँ। और एक बहुत बढ़िया बात है कि मेरे घर के पास ही मतलब मेरे जहाँ मैं सोता हूँ वहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है बहुत बढ़िया है। और सामने मैच चल रहा है और ये हमारा प्यारा सा मंदिर ऐसा कुछ दिखता है मेरा घर। और वैसे मतलब पापा बाहर बैठ के मैच देख रहे हैं। चलो आगे मैच। दोस्तों इंडिया पहली बैटिंग करते हुए और पहली बॉल खिलाई और पहली बॉल मिक्स हो गई। और आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैच को देखते हैं और मैच का एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों पीछे देख सकते हैं रोहित शर्मा इतना बढ़िया खेल रहे थे वो आउट हो गए। बहुत ही दुख की बात है। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में खेल रहे थे और ये नौ पाकिस्तान वालों ने कैच पकड़ लिया उनका। बहुत ही गलत किया। अगर खेलते तो काफ़ी बढ़िया स्कोर जाता। चलो अब देखते हैं कौन आता है और देखते हैं उसकी बैटिंग कैसे खेलता है वो। तो दोस्तों के राहुल भी आउट हो गए और 28 रन मार के वो भी आउट हुए। तो रोहित शर्मा भी 28 रन मार के आए आउट हुए हैं। अभी खड़े हैं क्रीज पे के विराट कोहली ते सूर्य कुमार यादव बढ़िया खेल रहे हैं खेल रहे हैं और आउट नहीं होना चाहिए और बाकी देखते हैं। तो दोस्तों मम्मी ने बनाए हैं चावल और सब्जी उसे खाते हैं और टेस्ट करते हैं। और पता ही घर का खाना बढ़िया ही बना होगा और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इंडिया पहले खेलते हुए 181 रन मारी है और 182 का टारगेट है और पाकिस्तान ने भी 147 रन मार चुके हैं और पीछे एक विकेट हुआ है बहुत ही बढ़िया विकेट हुआ है जिससे शायद इंडिया जीत सकती है मैच। बहुत ही हालत खराब थी मैच देखते देखते। तो दोस्तों रिजवान का विकेट मिला है वो 71 रन मारा था भाई साहब बहुत मार रहा है। उसका विकेट हार्दिक पांड्या ने ले लिया हो सकता है शायद जीते हैं देखते हैं आगे क्या कुछ भी हो सकता है भाई क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब तक एंड नहीं होता तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए प्लेयरों को। हम भी देख रहे हैं चलो। दोस्तों नाखून चबाने वाला मैच चल रहा है। सात रन पाकिस्तान को चाहिए और हम तो जीतने के लिए 7 रन नहीं देने हैं। बहुत ही बुरा हाल है। बहुत ही बुरा हाल है। दोस्तों पहली गेंद देखते हैं। पहली गेंद पे 1 रन और दूसरी गेंद बहुत ही बेकार हालत है। कुछ कहने वाला है नहीं। दूसरी गेंद देखते हैं क्या जाता है। अभी तो नाखून चबाने वाले हर आते हैं।
इंडिया लूज द मैच। इंडिया लूज द मैच, पता लग गया। तो अभी फर्स्ट वेव ने एक विकेट ले लिया है, कहानी में ट्विस्ट देखते हैं। अभी तो यार बात करने, आपसे बात करने का मन कर नहीं गया कि मैच देखो अभी। अच्छा ना लगे बस। इतना प्रेशर वाला मैच है दोस्तों, देखने का मन नहीं कर रहा। इंडियन तो दोस्तों इंडिया मैच हार चुकी है। तो दोस्तों इंडिया मैच हार चुकी है और अब मैं 11 सोने अब से सवेरे बात करता हूँ। दोस्तों मैं अभी सवेरे उठ चुका हूँ, सवेरे नहीं उठा था, सवेरे उठा था रोटी पानी खा के दोबारा सो गया। तो भैया ने 2 बजे मेरे को फ़ोन करके उठाया और भैया ने शायद कहीं जाना था तो मेरे को फ़ोन करके बोले कटिंग करवाने चलते हैं। तो कटिंग वटिंग करवा के अभी मैं रवि भैया के घर पे आया हूँ और यहाँ पे अभी मैं आते ही मैगी बना दिया हूँ। भैया खाएंगे और जाएंगे जहाँ जाना है उनको, और जो जहाँ पे भी जाएंगे उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और चेक जरूर करना। और खाते हैं मैगी फिर बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों ये है सिंपल मैगी। क्या हुआ? अभी दूध पड़ा हुआ है कॉफी बना के पीने के लिए। सिंपल मैगी और खाते हैं फिर बात करते हैं आपसे। मस्त था, फट जाओ। तो दोस्तों भैया अपना बैग वैग पैक कर लिए हैं और ये कहीं जा रहे हैं, पर ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं। ये भैया जहाँ पे भी जा रहे हैं वो उनके चैनल पे देखने को मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज जाके चेकआउट करना। और पूछते हैं भैया से कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, शायद देखे होंगे, और क्या राय है इनका, हार गई है जो? शायद देखे होंगे। बोलो। हाँ जी सर, क्या कह रहे हो, क्या सवाल है आपका, बताओ सर। बताओ इंडिया हार गई यार। कोई बात नहीं, मैच है, हार जीत चलता रहता है। पर वो मेरे को पता क्या रहा है, भुवनेश्वर कुमार का 19 रन का 19वां ओवर, क्योंकि उस बॉलर से मैं बहुत उम्मीद करता हूँ और वन ऑफ द फेवरेट बॉलर में से एक है मेरे, लेकिन उनसे इतनी उम्मीद थी, उम्मीद सारी लंका हो गई। कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी उनका तो कभी हमारा। हर्षदीप ने कैच छोड़ा था उसके कारण, हर्षदीप ने कैच छोड़ा था, वो प्रेशर में छोड़ा था, वो अभी खेलना शुरू किया है ना, वो उतना आसान भी एकदम आसान कैच था, वो कैच जीत जाते तब भी पीछे बंदे थे आके मार देते। लेकिन 19 रन का ओवर अगर नहीं जाता, लास्ट ओवर में अगर 19 रन रह जाते तो जीतना बहुत मुश्किल था, फिर इंडिया से जीतना बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और भैया यहाँ पे इसलिए नहीं, कैमरे के सामने नहीं देख रहे, बैग पैक कर रहे हैं। मैंने बोल दिया था फटाफट बैग पैक कर रहा हूँ, टाइम देखो कितना, टाइम देख लो 9:04 बज गया, 4:05 मेरी 5:05 की ट्रेन है, 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे मेरे को सब कुछ करके मेरे को पहुंचना भी है स्टेशन। यहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 10 मिनट लगेंगे, 3.5 किलोमीटर है, पर जाना तो है ना। इनके चैनल पे मिल जाएगा देखने के लिए, कुछ बोलो। हाँ देखना आप हमारे चैनल पे जाकर। कब आ जाएगी वीडियो? वीडियो परसों आ जाएगी, परसों वीडियो आ जाएगी, जब तक ये आएगी तब तक वो भी आ जाएगी। ये तो कल, आज कल में आ जाएगी, कल आ जाएगी तो परसों भी आ जाएगी, क्योंकि कल एक वीडियो दूसरी डालूंगा, एडिट करनी अभी कर लूंगा और फिर परसों डालूंगा। तो बहुत जल्दी मिलता हूँ, मिलता नहीं हूँ, मिल गया हूँ, आप चैनल पे चेक करो जाके, वहीं पे पड़ा हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और वैसे यार इंडिया हार के थोड़ा सा दुख हुआ, पर कोई बात नहीं, पहला मैच जीते थे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर
और आने वाले मजेदार वीडियो के लिए आप सभी मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखें। ओके बाय बाय, मिलते हैं।